हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है खुशी के स्कूल में कार्यक्रम। ये देखिए, ये है पहला गाना जो कि है बाला बाला। ये अक्षय कुमार तो बहुत ही एनर्जी में डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये हमारे यूट्यूब के नियम के खिलाफ है कि हमें म्यूज़िक नहीं डालना है, तो मैंने यहाँ पर म्यूजिक जो है वो रिमूव कर दिया है और अपना वॉइस ओवर डाल दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी और मैं बीच में बैठी थी, फिर भी इतनी सारी भीड़ जो है मैंने अपने कैमरे में कैच कर ली थी। ये देखिए, आप देख सकते हो बहुत पीछे तक थी ये भीड़। तो ये खुशी के डांस, मतलब हर साल जो डांस होता है, कार्यक्रम होता है डांस का, तो इस साल थोड़ा लेट हो गया उनका, क्योंकि जनवरी में ही हो जाता है, तो इस साल फरवरी आ गई। तो ये भारत देश पर, हमारे जो भारत माता है उसका गाना था ये वाला, और यहाँ पर ये गाना था शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, तानाजी फिल्म का ये गाना था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और शिवाजी देखिए आप यहाँ पर विराजमान है और शंकर जी भी इनके साथ डांस कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बहुत कुछ शूट करना चाहती थी फ्रेंड्स, बट मेरी तबीयत इतनी डाउन है मैं आपको बता नहीं सकती। अगर खुशी का डांस ना होता तो मैं नहीं जाती, और मतलब कहीं नहीं जाती और काम भी नहीं करती। मेरे सिर में बहुत ही ज़ोरों से पेन हो रहा है और मुझे सर्दी जुकाम भी हो रखा है, तो मेरी इच्छा ही नहीं थी। बट अभी बेटी का डांस है तो जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये गाना था बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा, ये तीन जो लड़कियाँ हैं इन्होंने खुद से बिठाया था ये डांस, और तीन चार गाने मिक्स थे बट मैंने एक ही शूट किया था, क्योंकि रात के टाइम में हुआ था ये कि मैंने रात का गाना आया तब तक मैंने शूट। तो राज का जब एनुअल फंक्शन कार्यक्रम था, डांस का कार्यक्रम, तब हुआ था ये कि मैंने सब बच्चों का शूट कर कर के मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो डाउन कर ली थी, तो मुझे डर लग रहा था। इस वजह से मैंने जो है ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि घर से ही निकलते वक्त मेरे मोबाइल में चार्जिंग जो है 50% ही थी इस वजह से। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है गाना, बहुत ही अच्छा वाला गाना था। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी दे कस के मारा ब्रेक। इतना अच्छा गाना है, बट हमें यूट्यूब के खिलाफ तो नहीं जाना पड़ेगा, कॉपीराइट आ जाती है। मुझे बहुत ही बुरा लगा, मेरी बेटी का डांस था बट मैंने ये डाल दिया, मतलब वॉइस ओवर। मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा मेरे गाने पे तो रहने दो, डांस का मतलब सॉन्ग रहने दो, बट मैंने उसे समझा दिया नहीं बेटा, अगर हम सॉन्ग रहने देंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो वो बोल रही थी नहीं मम्मा मेरे सिर्फ मेरे वाले सॉन्ग पे रहने दो। तो मैंने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं चलता है, आपके सॉन्ग पे भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, जो कि बिल्कुल फ्री है। और मेरी बेटी का डांस आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये है मेरी बेटी खुशी, आगे जो है एक नंबर पे खड़ी हुई ये। तो आप लोगों को मेरी बेटी का डांस कैसा लगा और मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं करने वाली हूँ और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रखने वाली हूँ। तो आज मुझे थोड़ा आराम करना है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे कल बातें करूँगी ज़्यादा। तो खुशी बहुत एक्साइटेड थी सुबह से, और 8 बजे से कार्यक्रम उनका जो है शुरू हो चुका था, और उनके जो ये अरेंजमेंट की हुई है ना फ्रेंड्स, ये सारी की सारी रात में ही हो गई थी। क्योंकि क्या होता है कि रात में अगर फंक्शन रखते हैं तो लेडीज़ जो होती है उन्हें नहीं मिलता है देखने के लिए, तो इस वजह से इस टाइम उन्होंने सुबह में मतलब 8 बजे रख दिया था, ताकि 10-11 बजे तक जो लेडीज़ है वो फ्री हो जाए और उन्हें मतलब घर के काम में भी उनका टाइम हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
आ गए हैं हम। खुशी का कार्यक्रम जो था डांस का तो फिनिश हो चुका है और हम अभी आ चुके हैं घर पे। अभी बज चुके हैं 10:30। तो हम घर पे आ चुके हैं और घर पे आने के बाद मैंने तो सारा काम जो है अपना फिनिश करके ही गई थी, बिकॉज मुझे लगा यार कितनी देर होगी कितनी नहीं। और अभी 10:30 नहीं 11:15 हो चुके हैं, तो हमने बाकी का कार्यक्रम जो है वो नहीं देखा क्योंकि मेरे सिर में बहुत ही ज़ोरों से पेन हो रहा था फ्रेंड्स। और खुशी का जो डांस हो गया उसके बाद में घर पे आ गई और राज को भी मतलब भूख लग गई थी, तो बच्चों को भूख लग गई थी। तो मैंने ब्रेकफास्ट में किया हुआ था खमन, बट क्या हुआ कि खुशी जो है डांस में बिजी थी। मतलब खुशी को एक क्लास में, खुशी को नहीं सारे बच्चों को क्लास में एक मतलब एक खट्टा एक जगह पे रखा था, तो उन्होंने बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। तो मैं टिफ़िन वापस लाई घर पे, तो बच्चों ने फिर घर पे आके खा लिया। और राज बोल रहा था तो खुशी नहीं खाएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा, होता है ना बच्चों का एक जब तक ये नहीं खाए तब तक मैं नहीं खाऊंगा ऐसे। तो आप मेरी आवाज़ से देख सकते हो मेरी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। तो मुझे बहुत तेज़ी से जुखाम सर्दी और पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे सिर में भी बहुत पेन है और मुझे थोड़ा फीवर भी है फ्रेंड्स। तो मुझे आज जाना है हॉस्पिटल, तो देखूंगी अभी राज के पापा आएंगे तब चले जाएंगे। तो हमारा जो फैमिली डॉक्टर है वो 1 बजे तक रहते हैं हॉस्पिटल में, तो राज के पापा आएंगे 11:30 या 12:15 बजे, तब हम चले जाएंगे। और मेरी तबीयत अगर ठीक रही तो मैं कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मैं यहीं पर फिनिश कर लूँगी फ्रेंड्स। आप समझ सकते हो मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मतलब मेरा अलग ही आज मुझे फील हो रहा है। तो मैं कुछ मेरा काम करने का जी नहीं था आज, बट मेरे घर में कोई नहीं है तो मुझे ही करना पड़ता है, तो कोई नहीं एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अभी बहुत ही ज़्यादा फीवर हो गया है मुझे, तो मैं अभी राज के पापा को कॉल करती हूँ और उनको बुलाती हूँ और चले जाएंगे फिर हॉस्पिटल। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, या फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मुझे अगर ठीक लगा, मेरी तबीयत अगर थोड़ी बहुत अच्छी रही तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो यहीं पर फिनिश कर लूँगी। आज खुशी का कार्यक्रम था तो वही मैं ऐड करने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।